हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉइन विद दिशा। आज मैं फिर से आपके साथ एक मटका पेंटिंग शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी आपके साथ मटका पेंटिंग शेयर किया है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। दूसरे जो मैंने पहले आपके साथ पेंटिंग शेयर किया था वो मैंने ऑयल पेंट से किया था। इस बार मैं यहाँ पे डिस्टेम्पर वॉल पेंट यूज़ कर रही हूँ। जैसे आपको पता है कि नॉर्मल हम वॉल पेंटिंग पे जो भी वाइट कलर यूज़ करते हैं उसी को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। सबसे पहले आप जब नया मटका लेते हैं तो ये ध्यान में रखें कि 2 दिन उसको पानी में भिगो के ज़रूर रखें, उसी के बाद आप कुछ पेंटिंग या उसके ऊपर कलर अप्लाई कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे वाइट कोड दे दिया है, आप चाहें तो और दूसरा कोड अगर देना चाहते हैं तो एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं उसके ऊपर मैं पेंटिंग करने वाली हूँ। अगर आपने मटका प्लेन लिया है तो आप पहले पेंसिल से कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे आप एक्रीलिक कलर से उसे फिल कर सकते हैं। आप चाहें तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था ऑयल पेंट भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर कलर फिल करने के लिए यहाँ पे इस बार एक्रीलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो नॉर्मल पेंटिंग किए हुए मटके भी मार्केट में मिलते हैं, बट उसकी प्राइस नॉर्मल जो मटका होता है उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट ही डबल होती है। तो आप घर पे इस तरीके की पेंटिंग करके अपने मटके को एक नया लुक दे सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से मिक्स मैचिंग एक्रेलिक कलर से पेंटिंग कंप्लीट कर ली है। आप देख सकते हैं इस तरीके आउटलाइनिंग भी कर सकते हैं, और आप यहाँ पे जो नीचे का पार्ट है सिंपल रखना चाहते हैं तो सिंपल भी रख सकते हैं। मैंने सिंपल एक पोल्का डॉट्स और कुछ डिज़ाइनिंग की है। पेंटिंग पूरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको कम से कम 2 या 3 घंटे के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर बात मैं आपको बताती हूँ कि आप ज़रूर एक्रीलिक कलर के ऊपर वॉर्निश अप्लाई कीजिए, क्योंकि वॉर्निश अप्लाई करने से हमारी जो आर्ट यानी कि क्राफ्ट आपने जो भी की है वो सील हो जाती है और लंबे टाइम तक एज इट इज ही रहती है। तो मैंने मटका पेंटिंग डन कर ली है। आप देख सकते हैं इसे घर पे पेंट करना कितना इजी है। अगर आप भी इसे रिक्रिएट करते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर करें और यहाँ पे फॉलो भी ज़रूर करें। और आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।